ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और इसको लेकर पूरे देश में खुशी भी है और कई विपक्षी पार्टियां इस पे बजट को मतलब कि एक्सेप्ट करने में मना भी कर रही है। भारी जिले में भी एक बैठक भी हुई है बजट के ऊपर। मेरे साथ रामबीर सिंह भदौड़ी जी भी हैं। सर, बजट फ़ायदेमंद बता रहे हैं आम आदमी जनता, आम जो जनता है उसके लिए फ़ायदेमंद का सौदा है बजट? देखिए, आज जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला के अध्यक्षता में संपन्न हुई है और सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई बहनों ने इस शानदार बजट का समर्थन किया है, प्रशंसा की है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो शानदार बजट दिया है, हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी और वित्त मंत्री महोदया को भी बहुत बहुत दिल्ली वासियों की ओर से विशेष तौर पर बधाई देना चाहते हैं। और यह बजट देश भर में जो विकास के कार्य पहले से ही तेज़ी से चल रहे थे, इसमें और गति आएगी। नए नए हाईवेज बनाने के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक ठाक रहे उसके लिए भी लगभग 130% बढ़ोतरी इसमें की गई है। गरीबों के लिए सरकार पक्के मकान बना के दे सके, उनके लिए शौचालय उपलब्ध करा सके, और जो बेचारे गरीब लोग हैं यदि बीमार हो जाएं तो सरकार की ओर से, मोदी जी की सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे इसमें प्रावधान जुड़े हैं जिससे देश जो है तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर भी आगे बढ़ेगा। और चाहे वो देश का व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, चाहे वो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी को इस बजट का लाभ मिलेगा। और हमें इस बात की भी खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, अब उनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे सीनियर सिटीजन्स को जो उन्होंने ये विशेष सुविधा दी है उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आज की ये जो कामयाब कार्यकारिणी की बैठक श्री बजरंग शुक्ला जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में संपन्न हुई है, मैं उनको और उनके सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत अपनी ओर से, प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी की ओर से, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी की ओर से अपनी ओर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर